डायरी उठ के नहीं रखा याद ही नहीं सब लोगों का कहना है बाबा के सामने जाने से सब भूल जाते हैं डायरी लिख के रखा होता तो याद आता मैं कृष्ण जन्म की बात समझ में आ गई 18 या 19 में बताया है किस हिसाब से कैसे मान लिया वो जो आया पलट करेंगे आया कौन सा मामला उसके बाद सुनने मिली राधा से तो होगा लेकिन 18-19 साल कैसे निश्चित हुआ 18-19 साल हाँ 2018-19 मैंने 2018-19 में कृष्ण का जन्म कैसे साबित हो रहा है किस किस हिसाब से साबित हो रहा है
ढंडी की तो कोई बात ही नहीं इसमें भाव तो इसमें कोई गलतियां सभी से हो रही है। ऐसा कोई मनुष्य है जिससे गलती ना होती हो? देवता अभी बने नहीं है, अपन देवता उसे गलतियां नहीं होती। खुश रहो, सब करो, गलतियां होती है सबको। सुना है सब अच्छा लगा, जो भी सुना सब अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ कंपनी में पहुंचने से पहले वहां जो कुछ सुना गया था वो किसने सुनाया, संदेश किसने दिया था? अनिल महेश्वरी। अनिल महेश्वरी, अच्छा, उसके इंटरनेट के द्वारा? इंटरनेट सारा ही इंटरनेट सारा ही पढ़ा, सब अच्छा लगा। उसके बाद क्या सर, बाबा को बता दो कैसे कैसे आप लिंक में कैसे यहाँ आए? इंटरनेट से माइसूरी से कनेक्शन किया, ईमेल से, फिर उन्होंने समाधान दिया, कुछ एड्रेस दिया, फिर आप वहाँ गए, वहाँ भी जो सुना सब अच्छा लगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखा? अच्छा अच्छा, मन चिंतन मंथन चलता रहा और अभी तक भी अभी चलना बंद हो गया? जो तो मन चिंतन मंथन चल रहा है उन्हीं के बारे में डिस्कस कर लो। आप जैसे कह रहे थे ना, अभी मैं किसी को लेकर आऊं वो बाद में भस्मासुर बन जाए तो मेरे ऊपर आएगा, वो बातें करो बाबा के साथ जो मेरे साथ करते थे। जोर से करो, कोई बात किसी इंसान को यहाँ पर पूरी करने के लिए संदेश देने वाले बहुत होते हैं और संदेश जिनको जिनको दिया जाता है, जिनको देते हैं, वो कोई अष्टदेव थोड़े सारे ही बन जाते हैं। तो कभी निश्चय होता है, कभी अनिश्चय होता है। ब्रह्मा बाबा के सोल को ये निश्चय अनिश्चय हो रहा है तो दूसरी आत्मा को निश्चय अनिश्चय क्यों नहीं होगा? हाँ, तो अनिश्चय आता है तो कुछ न कुछ वाचा से, कुछ न कुछ कर्मणा से ऊपर नीचे कर्म भी हो जाते हैं। फिर कोई मुरली का पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसे निश्चय बैठता है तो फिर थम जाते हैं। तो होता ही रहता है, सबके जीवन में होगा। जो आठ की लिस्ट में आने वाले उनका भी होता है। कोई बड़ी बात नहीं, जो दूसरे धर्म की आत्मा है तो 90% है। उनके मुकाबले सूर्यवंशी सिर्फ 10% है और विरोधाभास में तो आते ही है। बनते हैं उसकी संदेश देने वाले के ऊपर कोई जिम्मेवारी है? एक ही जिम्मेवारी तो नहीं है, संदेश तो सभी को देना है। 500 करोड़ में संदेश नहीं मिलेगा? मिलेगा। 500 करोड़ में से और ढेर तो विरोधी ही बनते हैं पहले। कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की। इसका मतलब मैं कमजोर हूँ?
याद में रहो, आत्म किस्मत में रहो। वहाँ महसूस हुआ था कंपेल में क्या? वहाँ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जो आत्मा है वो भी ज्ञान सुनना चाहती है, कोई दूसरी आत्मा नहीं आएंगी। कि बाहर की दुनिया की आत्मा ये ज्ञान में चलने वाले ही प्रवेश कर रहे हैं। वीकेज में भी दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं हैं, एडवांस में भी दूसरे दूसरे धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं। जिनमें से जो ज्यादा पाप कर्म करते हैं उनका पापों का बोझ थोड़ा हल्का बना रहे, इसलिए उनको अकाली मौत होती है। अकाली मौत होने के बाद फिर उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते हैं। अकाली मौत तो आज की दुनिया में ढेर सारी हो रही है, हाथ के लोग चले जा रहे हैं, तो बाद में और ज्यादा होंगे। जब लोग अपने मंसूबे बनाते हैं बड़े ऊंचे ऊंचे, और वो मंसूबे सारे फेल हो जाते हैं, नचाहत कुछ और है, होवत है कुछ और, ठीक है। और भविष्य के बारे में नॉलेज तो पूरी किसी को नहीं है, जब पासा पलट जाता है तो फिर हाथ फेल हो जाता है। है तो बाहर निकाल दो, तो बाहर की दुनिया में जाकर के फिर वो चौड़ा होता है। तो बाबा के सामने तो बात अंदर की अंदर थमी रहती है, तो विरोधी बातें आती है ना, उनको बाबा के सामने बेहिचक रख देना चाहिए। क्या अंदर एक और बाहर दूसरा, ऐसे नहीं रहना चाहिए क्या? नजदीक का पुरुषार्थ करने के लिए, नजदीकी आने के लिए ये बहुत जरूरी है। जो अंदर बात है सब बाहर आ जाए, अंदर बाहर एक रहने वाला मेरे नजदीक रह सकता है। अमित वाणी बोला, जो अंदर में एक और बाहर से दूसरा है, बाबा के सामने पूरी बात क्लियर नहीं करोगी, ये पूरा पोता मेल नहीं आता है, तो छुपा लेते हैं, तो बोला हुआ ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। बाबा की नजदीक तो अंत में तो सारे पहुंचे नहीं पहुंचे, आत्मा ऐसी रह जाएगी जो परमधाम में वापस न जाए। ऐसे कभी और भी अनुभव हुआ, कोई सोल कैप्चर करना चाहती है? आपका प्रश्न पता नहीं वाला था, बताने वाली थे तो आप बता सकते हैं और बता दो। तो ठीक है, 18 से 36 तक 18 साल और रह जाते हैं। तो नहीं, तो हमारा प्रश्न ये था, कृष्ण का जन्म स्थूल रूप में साकार रूप में जो कृष्ण सत्युग का होगा, उसका जन्म 18-19 में ही कैसे साबित होता है? वो फिगर कहाँ कैसे निकाला गया? ये 18 का फिगर कैसे निकाला गया? 18 ही क्यों, 15 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं,
25 में कृष्ण का जन्म क्यों नहीं हो सकता, 18 में क्यों हो सकता है, 15 में क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, मतलब कृष्ण जब 18-20 साल का हो जाएगा तभी तो बच्चा पैदा होगा ना, वो क्या नाम उसका कॉर्नोशन होगा ना, कॉर्नोशन उनकी शादी होनी है ना, राधा कृष्ण का जो साथ साथ कॉर्नोशन होता है वो तो तभी होगा जब वो 18-20 साल हो जाएंगे। और विनाश के बारे में क्या आइडिया है? तो हो रहा है संसत्ति से बेसिक नॉलेज में जो भी ब्राह्मण है और टूट टूट करके उधर से अनिश्चय बुद्धि होते जा रहे हैं, तो विनाश हो रहा है। वो अपग्रेड के ब्राह्मण बनते जा रहे हैं विष्णुपाद में दुनिया में, जैसे आप अभी तक बेसिक नॉलेज में थे, बेसिक नॉलेज वालों की दुनिया में थे और वहां से आपको एडवांस नॉलेज मिला तो अब आप एडवांस में आ गए। अगर यहाँ श्रद्धा विश्वास बैठ गया तो वहां से बुद्धि उभर गई, अनिश्चय हो गया, वो दुनिया तो खलास होने वाली है, झूठी दुनिया है, ये दुनिया तैयार हो रही है, नई दुनिया के जो स्थापना होने के संभावना है वो यहाँ ज्यादा है, वहां तो डिस्ट्रक्शन की संभावना है और वो भी रहा है क्योंकि बाबा की मूर्तियों को लोग नहीं मान रहे हैं, अपनी मंदिर ज्यादा चला रहे हैं। और वो बात यहाँ भी लागू होती है, बात में ये बात आई समझ में, यहाँ एडवांस पार्टी में जो भी बीज है वो भी एक धर्म के नहीं है, अलग अलग धर्मों के बीज है, तो जो और दूसरे दूसरे धर्मों के बीज है वो पहले विरोध करेंगे एडवांस पार्टी के ही अंदर, और विरोध करके फिर बाद में सब पोजिशन में आएंगे। विरोध करके जब थक जाएंगे तब मैं कोई ऐसी विरोध आवाज वाली बात लग रही हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो और ही अच्छा है। लेकिन प्रसन्न भी नहीं दिखाई देते, तुम्हारे अपने लौकिक जीवन से संबंधित कोई ऐसी बात है जिसके आधार पर तुम मुरझाए हुए रहते हैं? नहीं, तो लौकिक जीवन में ऐसा संकल्प नहीं आता है कि हम लौकिक रूप से विदेशियों के लिए बंधे हुए हैं? ऐसा नहीं आता, हाँ अपने देश की सेवा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हमें विदेशों की सेवा करना पड़ रहा है पैसे के लिए, नहीं आता है। रात में अपना कोटा में लीजिए, हिंदी में लिखे तो ज्यादा अच्छा है, अंग्रेजी जानते हो ना, लंदन में रहने वाला अमेरिका पढ़ते हो, यहाँ से जब गए थे वहाँ तो कितनी एजुकेशन थी? बारहवीं पास करके वहाँ सीधे चले गए थे, इंग्लिश मीडियम था,
अभी थोड़ा असर मालूम पड़ रहा है साथ में थोड़ा थोड़ा असर है। नेगेटिव संकल्प तो पहले से किसी आत्मा के बारे में लाना ही नहीं चाहिए कि हम किसी को संदेश देंगे और वो भस्मा सुर बन गया तो हमारे ऊपर उसका असर पड़ेगा, ऐसा नेगेटिव संकल्प क्यों? ये कैसे सोचा? आप संदेश देंगे और वो बाबा का बन जाएगा, पॉजिटिव संकल्प होना चाहिए नहीं? अनुमान क्यों लगाए? अनुमान से नुकसान हो जाता है। अभी कहा वहां लंदन में क्लास कर रहे हैं जैसे क्या कभी कभी नहीं तो जो अरेंजमेंट जो है हाँ। उसके बाद ये कहा रहती हूँ बाबा को बता दो ना सारा आपको अभी मैं बोझ नहीं मिलता और दो हफ्ते की छुट्टी के वक्त नहीं आ गया फिर वापिस वही जाऊँगा और वहाँ से एक महीना यहाँ बोस्निया तो क्लास करने के लिए कहाँ मिलता है? कमरे में अपने कमरे में ही क्लास करते रहते हैं। अभी तो और सहज हो जाएगा क्योंकि बाबा की विजिट भी होगी, विजिट लेके जा रहे हैं वीसीडी ऑडियो में लेके जा रहे हैं या वीडियो में ज्यादा लेके जा रहे हैं? वीडियो में ऑडियो में ज्यादा ले जा सकते हैं। ऑडियो में कितना है? दोनों आडियो में तो थोड़ी सी वीसीडी में ही सारा ज्ञान आ जाता है, वीडियो में ज्ञान का जो वो तो उधर से भी पूरा पड़ा हुआ है और डीवीडी का है, एक ही तैयार हुआ है। कौन सा डीवीडी? इंग्लिश का, ऑडियो का, ऑडियो डीवीडी जिसमें 80-90 कैसेट आ जाती है, 99 कैसेट, एक ही डीवीडी तैयार हुआ है तो बहुत दिन से बोल रहे हैं कि एक डीवीडी तैयार हो चुका है। उसके बाद इसका अगला अगर 4 डीवीडी है नहीं 8 डीवीडी है तो उसमें सारा ही माल आ जाएगा, ज्यादा वजन उठाने की जरूरत नहीं। बढ़ पाया बिल्कुल बिल्कुल फर्क बाबा जो मैंने वीसीडी में देखा था और यहाँ साक्षात देखा तो वो बाबा ही बोल रहा है, उस समय तो सोचना पड़ा अनिश्चय हो गया उसमें और वो आत्मा करके प्रवेश कर गई पूरा शरीर कांपने लगा और बाबा प्रश्न कर रहे थे मैं उत्तर ही देने वाला हूँ, ऐसे हो गया मतलब मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया उसे और ऐसा प्रतीत हुआ जो आत्मा मेरे अंदर आकर कंट्रोल करना चाहता था, बोलना चाहता था लेकिन उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं। जब यहाँ बाबा ने आकर मुझे फोटो लेना चाहते हैं ब्रह्मा का फोटो लेने के लिए तो मना कर दिया मुरली ने हैं? ओ तो वीसीडी मिला हुआ है ना, वीसीडी डीवीडी यू आर हैविंग द वीसीडी यू आर ऑलरेडी गॉट वीसीडी यस बट आशिकुस इज नॉट द सेम हैं व्हाट बाबा इज सेइंग इज
बाबा हैज फॉरबिडन इवन टू कीप ब्रह्मास फोटो, ब्रह्मा बाबास फोटो, प्रजापिता ब्रह्मा इज आल्सो ब्रह्मा. Can you explain to her why? Baba said that in the Murli, it has been said that you must not keep any photo of anybody, like Brahma Baba. Brahma Baba. Baba said. You need to explain to her why. Kya? इसका क्यों क्यों समझा नहीं दीजिए वो इसको समझाने दे. हाँ, क्यों नहीं रखना? इसलिए नहीं रखना कि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने मुरली में मना किया हुआ है कि ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना, नहीं तो पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे. बाबा सेज दैट इन द मुरली इट हैज बीन सेड दैट यू शुड नॉट कीप ब्रह्मा बाबास फोटो. इफ यू कीप ब्रह्मा बाबास फोटो देन यू विल योर स्टेज विल फॉल डाउन, यू विल बिकम पतित. हाँ, और शिव बाबा का फोटो नहीं खींचा जा सकता. Because you need to keep the photo in your intellect of Shiv. And Baba says that you cannot take a photo of Shiv Baba. Shiv Baba. It's impossible. You have to be in the way. और जब फोटो खींचेंगे, उन्होंने मना किया और फिर खींचेंगे, वो भाग जाएगा. तो सबका फोटो खींचेंगे. Baba says Shiv का थोड़ा ही फोटो मिलेगा. Baba says that Shiv is Jyoti, he is point of light, like is Jyoti Bindu. So when you take a photo, that light will not, it will not come in the photo. It, the photo will become of only of the body of that person. So dead body. Baba says dead body. Emma says sometimes she feels little thing, but it's very difficult for her to. You know, to feel the soul consciousness, to understand. When she gets bored, she's in the car, or she doesn't have anything to do, then she feels the soul. And then when she gets out of the car and she does something, it goes. Is it the soul conscious stage you are talking about, or the soul, which is she feels the soul, or the soul conscious stage? Well, it's not burning, but it's a mixture of burn and kind of, it's like all the feelings are trying to get out. उसको ऐसे प्रतीत होता है कि थोड़ा सा हैवीनेस भारीपन रहता है और जैसे कि सभी चीजें बाहर, मतलब बाहर निकलना चाहता है, जो फीलिंग्स है, विचार, गर्मी महसूस होती है, बोल रहे एक तरह से, मतलब अपना फीलिंग बंद हो जाती है इस प्रकार. Emma lives in a totally different world from here. And it's... Usse bari hota hai kya? Will the... she feels the heaviness. All headaches, lots of headaches. माताजी ने ये बोला, बच्ची जो है पूरा अलग दुनिया में ही रहती है, जो दुनिया यहाँ से अलग ही है. वहाँ का मतलब लंदन, माहौल अलग ही है, दुनिया ही अलग है, यहाँ भारत जैसा नहीं है. अलग तो है, लेकिन अच्छा क्या लगता है? उधर लगता है अच्छा या इधर अच्छा लगता है? उधर अभी बैठी चुकी नहीं मैं इसे बैठी नहीं, दो दिन रहे थे, दो दिन रहे थे, दो दिन वहीं रुकी थी, कंपिल में एक रात रुके थे और चंडीगढ़ में बस तीन चार दिन रुके, रोज आश्रम आना जाना करते थे. I gave her a bit of advanced knowledge, Trimurti, but it's trying to match two different worlds. With her father, it's a totally different world, and with me, it's ideal. And at school, it's a very, very different world. So she needs to cope with both realities. इन्होंने थोड़ा त्रिमूर्ति के बारे में समझाने की कोशिश किया है,
पर उनके लिए उसके लिए तो ये तीन दुनिया अलग अलग लग रही है। माता जी तो चाहती है कि ज्ञान में चले, और पिताजी का तो अलग ही दुनिया है, और स्कूल में जो पढ़ाई जाता है उनको अलग है, अलग है। तो मुश्किल है। आप इसे अपने पास ही लगी है, इसको कहाँ अच्छा लगता है, पापा के पास रहना अच्छा लगता है या स्कूल में रहना अच्छा लगता है या आपके पास रहना अच्छा लगता है? बाबा says that you keep her with you only. Baba asks where does she like to be with her father or in the school or with you? Where does she like most to be? She wouldn't mind not going to school, but if I do that, then they take her away from me. बाबा ये कह रहे हैं कि वो स्कूल जानना पसंद नहीं करती है, पर यदि स्कूल नहीं जाएगी तो फिर उनके साथ रहने नहीं देंगे, उनको ले 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 जाएंगे वो बाप उनके पिताजी। Are you talking about the father or the administration? No, the administration is impossible. प्रशासन प्रशासन कहीं एक प्रशासन ले जाए, अलग कर देंगे फिर ले जाएंगे। ऐसा नियम है, अगर बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा तो प्रशासन बच्चों को अपने कंट्रोल में ले लेगा। स्कूल इज कंपल्सरी अंटिल 16 कंपल्सरी and the father is very very tolerant. He's left me bringing Emma here and he's not in Gyan in at all, so he's doing his best. If I took Emma with me he wouldn't accept it. Mataji, is he tolerant or he wants you to be away from the knowledge? No. Is he tolerant or tolerant? Very tolerant. बाबा बहुत सहयोग दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, मतलब बहुत फ्री छोड़ के रखा है माता जी को। अभी बच्ची को यहाँ लेके आए हैं, कोई मतलब दिक्कत खर्चा दिया कुछ? What I'm doing is totally crazy. So for him to accept this is really tolerant. It's so difficult to explain, but people there don't even believe, don't have any religion. They are atheists. नास्तिक है वहाँ पे, कोई मतलब धर्म की बात कोई सुनना नहीं चाहता, सब पक्का नास्तिक है या तो ईसाई है, और उन्होंने इतना फ्री छोड़ के रखा है हमें, माता जी कह रहे हैं। ईसाई ही दो तरह के हो गए, एक नास्तिक और दूसरे गिरजाघर को क्राइस्ट को मानने वाले। I was feeling there are two types of Christians. One is the atheist type, and the other those who visit churches, a church and having some kind of belief on the God. Both, but most of them, the ones who are Christians, most of them, they don't really have any kind of worship. They don't think about God. They even find the concept of God strange. And they would think I'm in a. Easily, they would think I'm in a sect, and it's the word. It has very bad connotation. And for him, for her father, to accept for Emma to be here, is very very tolerant. मतलब वहाँ कोई भी भले ईसाई है तो भी कोई भगवान के ऊपर कोई श्रद्धा विश्वास कुछ नहीं रखते हैं, और मतलब ऐसे माहौल में इनका पिता होते हुए भी उनको यहाँ आने दिया, यही बहुत बड़ी बात है। वहाँ के मुताबिक मतलब बहुत ही फ्री छोड़ के रखा है। ठीक है, Emma has a lot of love for her father. बहुत अच्छे पिता है, और बच्ची अपने पिता को बहुत प्यार करती है। बाबा इज टेलिंग द इम्बैलेंस ऑफ दिस वर्ल्ड विल रिजल्ट इन पीपल गेटिंग चेंज्ड। माता जी फ्रांसीसी है और पिता अंग्रेज है। फ्रेंच में, फ्रेंच भाषा में बात करते हैं, पिताजी इंग्लिश है। बच्ची तो दोनों भाषा में एक्सपर्ट बता रहे हैं।
लेकिन आप इसको अपने साथ रखते रखते इसको ज्ञान के ऊपर अटैच नहीं कर पाए अंदर. Maharaj is telling, keeping your daughter with you, are you not able to attract your daughter towards the knowledge? Yes, she is with the first children a bit, and I gave her some gyan, and she understands more and more. She's being influenced, but the school is a big part of her life, and her father is a big part of it. स्कूल में तो 4-6 घंटे संगीत का रंग मिलता है और आपके साथ तो ये 18 घंटे साथ में रहती है. In the school, she will be in contact with that world for about 4-6 hours, but you will be having the contact with her for more than 18 hours. So she should be having more. You should be having more influence on your daughter than the school. I think I have, but la phrase de l'école sur toi et mon influence, la phrase de Diane. In an Indian, for example, I saw in the ashram in Chandigarh, there was a little girl of her age who was in the morning class, and it's normal for an Indian girl to do that. Emma has not the discipline, and it's so different that if I impose that, then I take the risk of Emma just not wanting to know anything about the end. So she doesn't really want to meditate. मतलब बाबा इनका ये कहना है जैसे चंडीगढ़ आश्रम गए थे वो बच्ची जिस उम्र की है उसी उम्र की कन्या अभी क्लास में बैठी थी. अब उस समाज में ऐसे बच्चे उस तरह का डिसिप्लिन रोज रोज रखना असंभव है. मतलब अगर मैं रखती हूँ ऐसे मतलब पहल जबरदस्ती करती हूँ बच्ची के ऊपर तो ये डर रहता है कि मैं उसको ज्ञान से दूर करूँ. बच्चे उस माहौल में वहाँ पर माहौल में रखने की बात नहीं कर रहे हैं भाई भले वही रहे और उसी माहौल में रखते हैं लेकिन इनके संपर्क संसर्ग में तो ज्यादा आती है ना उनको ज्ञान का डोज ज्यादा मिल सकता है. तो एक तो बोल रहे थे कि जैसे हर रविवार पॉल भाई का भी बच्चे इसी उम्र का है वो लोग और ये बच्चे सब मिलते रहते हैं क्लास में लंदन की तरफ उनका उनके साथ का असर नहीं पड़ता है. बाबा इज टेलिंग व्हेन ऑल द चिल्ड्रन आर इन कॉन्टेक्ट फॉर द स्पिरिचुअल प्रेस आर दे दैट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड दे मेडिटेट बिकॉज़ वी आस्क वन दे सॉर्ट ऑफ सिट बिकॉज़ वी आस्क देम टू सिट. मतलब वो बैठते हैं हम बोलते हैं उनको बैठने के लिए याद में तो बैठ जाते हैं. एंड We put a CD on some, for example, at the moment when doing Krishna's life, and then we explain where that put it to Diane. And after 10-minute explanation, one of them is going to say, "When are we going to have breakfast?" So generally, then. मतलब जैसे माता जी और पॉल भाई जी यहाँ से जब गए हैं ना ये जितना भी धार्मिक सीरियल था श्री कृष्णा महाभारत रामायण ये सब लेके गए. अब बच्चों के लिए थोड़ा चलाते हैं हिंदी में है इंग्लिश हिंदी है इंग्लिश का सबटाइटल से फ्रेंच का भी सबटाइटल से जो भाषा चाहे आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ये लोग थोड़ा चलाते हैं और ज्ञान के आधार में उसमें क्या है वो थोड़ा समझाते हैं. एक 10 मिनट हो चुका है और बच्चे बोलते हैं काना कब दे हैं मतलब तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. Am I saying she would like to meditate but she doesn't know how? बच्ची बोल रही है मतलब मैं तो ध्यान करना चाहती हूँ लेकिन वो कैसे करना है वो मेहनत वाली बात है मुश्किल है. बच्चों के लिए तो जैसे बोला है बच्चों को ये नहीं सिखाना है हिंदी भी याद करो वो एक तरह से इम्प्रैक्टिकल हो जाता है ना. हिंदी भी याद करें उनसे क्या अनुभूति हो रही
प्रैक्टिकल में कुछ सामने हो तो उसे याद भी करें। Baba was giving an example. It has been told that children should never be told that you remember the point, because what is that point and what do we gain from that point? That is all passive, indirect, passive education. So it should never be attempted to this type of meditation. Okay, so what can I teach her then? तो मैं क्या सिखा सकती हूँ माताजी को? जो सच्चाई है डायरेक्ट सोच समझना है बच्चों को। द ट्रूथ एज इट इज इवन टू द चिल्ड्रन। मोस्टली ऐसा समझा जाता है बेसिक नॉलेज पहले देना है, फिर उसके बाद एक्सपर्ट होने के बाद फिर एडवांस नॉलेज देना, ऐसा तो कुछ है नहीं। Mostly it is told that first you have to tell the basic knowledge, then you have to explain the advanced knowledge, but it is nothing like that. But she had plenty of classes in basic knowledge, and when we went to advanced knowledge, we explained about the triplets, the bits of the cycle and everything. No, वहाँ जब बेसिक में थे ना तो डीके की जो बेसिक क्लासेस है वो तो बहुत हो चुकी है बच्ची के लिए, और जब हम एडवांस में आए तो त्रिमूर्ति और ये सृष्टि चक्र इसके बारे में हम समझाते रहे। When these children see, then what can we tell them? Something easy for them to focus on. जब बच्चे बैठते हैं हमारे साथ तो हम उनको क्या ऐसी बात बता सकते हैं जिस पर वो थोड़ा मतलब वो समझ सके या वो कर सके, जिस पे वो कंसंट्रेट फोकस कर सके, जिसको याद करने की। और सृष्टि का सीधा सीधा परिचय देना, सृष्टि के पिता का सीधा सीधा परिचय देना, क्या बड़ी बात है? Baba is telling, giving the introduction about the world and the world drama wheel, and giving the introduction about the father of the world drama cycle. So, is there any difficulty in explaining this? Baba is asking. No, I have, and to some extent, she understands. माता जी ने कुछ कुछ बताया और बच्ची भी कुछ कुछ हद तक समझ चुकी है ये बात। But to meditate on, to explain that, and she understand in an abstract way, she understands the Supreme Soul is in the chariot, and I've explained over and over again. And herself, she's not this body, and she's a soul and having a body. You said the same thing. And she knows that, but she still says she doesn't know how to meditate. मतलब माता जी ने बच्ची को थोड़ा बहुत तो ज्ञान समझा चुके हैं, और वो ये मतलब ये मोटे रूप में ये बात समझती है कि शिव जो है वो अभी सृष्टि में आ चुके हैं और साकार में किसी के द्वारा पारट बजा रहे, किसी कोई रथ में प्रवेश करके पारट बजा रहे। लेकिन जो ध्यान में बैठने वाली बातें हम क्या बता सकते हैं इनको? मेडिटेशन मेन बात है, जैसे सभी लोग मेडिटेशन करते हैं तो बच्ची को हम किस तरह से समझा सकते हैं? Baba is telling, you explain to her about the meditation on how you will gain, what you gain, what on what you will gain. Language problem forms a barrier. Forms a barrier.
I'm learning Hindi, but the problem is I'm having conversation with books, and it's. वो मान आई तो हिंदी बोलने लगी है, लिखने लगी है, क्या नाम उस माता का? लूसी 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 माता मिलके आए हैं, मिलके आए हैं, मिले कंपिल में रहे हैं. Baba is giving the example of that Lucy Mata, who is able to speak, who is able to read and write. Baba, if I went to Kampi for 6 months, I would be able to speak. Baba is telling she learned from there itself. वह माता जी का एक और कहना था, पहले से ही संस्कृत जानती थी माता जी. अच्छा अच्छा. इस तरह से उनको हिंदी समझना और सीखना आसान हो गया माता जी का. मैं किताब साथ बात करना हूँ. मतलब ये अभी हिंदी सीखने के किताबों का आधार ले रहे हैं ना. कोई कोई तो है नहीं जिनके साथ ये बैठ करके हिंदी को बात कर सके. सोसाइटी में पढ़ रही आती है हिंदी क्या कोई लेकर. बाबा स्पेलिंग इट इज नॉट जस्ट हिंदी, बीट एनी लैंग्वेज. इफ यू मूव द सोसाइटी विल बी एबल टू मास्टर दैट लैंग्वेज. हम क्या हिंदी कैसे सीखे नेपाली से. इफ यू मूव द सोसाइटी यू विल बी एबल दैट इज यू हैव टू मूव फ्रॉम दैट सोसाइटी टू दिस सोसाइटी देन यू विल बी एबल. मालूम भी हो गया, मेंटलिटी नीचे गिर जाती है उससे. कॉमिक्स पढ़ने से बहुत पढ़ता था. दो चीजों से मेंटलिटी सबसे ज्यादा नीचे गिरती है दुनिया में, एक कॉमिक्स और दूसरा फिल्म. फिल्म देखने 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 से ही मेंटलिटी एकदम नीचे गिरती है. Baba was asking him, how were you able to learn Hindi? So he was giving an example. In our childhood, we were reading a lot of comics. So Baba was telling, reading all those comics, your mentality came down. And Baba is telling, it has been said in the Murli, because of two things, your mentality falls. One is reading the comics, reading books in general. And the other... comics, only comics. Comics means reading novels. Novels and comics. And the other, watching films. These two things result in our mentality falling down. Except the Mahabharata. It is a spiritual one. Yes, it is a spiritual episode, and it will increase your spiritual knowledge. It is not, okay, he is not referring to the Mahabharata. He is referring to the films. I was, yes. Obviously, yes. Yes, it's just for novels, thode kahenge. Novels, aaj ki duniya ki baatein batate hain. Yes, scriptures to sangamit ki baatein bata rahe hain. Religious scriptures cannot be compared with novels. Novels has those things described of the present days. And the religious scriptures explain everything that has occurred in the Sangam Yuga. Baba, I'm reading now Devanagari, and I'm trying to translate from a Murli the meaning. With the Hindi, you've got the whole culture. So what I understand is Hindi is not... in English, what you say is exactly what you say. In Hindi, it's an interpretation of the meaning. So each time we have an English Murli, we've got the filter of a human interpretation. हिंदी का जो मुरली है वो तो सार रूप को समझाती है, जबकि हम जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो तो कोई अनुवाद कर चुका है और फिल्टर कर चुका है. मतलब हूबहू वही बात को समझा नहीं पाएगी, उसका मतलब गुम हो जाता है, मतलब दब जाता है. जो मूल ओरिजिनल और होती है ट्रांसलेशन के बाद, वो ट्रांसलेशन करने वाला जैसा समझेगा वैसा ही करेगा. महाराज स्पेलिंग द ट्रांसलेटर हाउ ही हैज अंडरस्टूड ही विल ट्रांसलेट इन द सेम वे. So it will not be the actual. What we miss is the language Hindi and also the background, all the scriptures.
वही बोल रहे कि हम मतलब हिंदी ना होने की वजह से जो मूल सार है वो और उसके पीछे जो आधार है और ये जो साहित्य स्क्रिप्चर्स मतलब ये जो साहित्य धर्मग्रंथ ये सब मतलब गुम हो जाता है जब अनुवाद किया जाता है। बाबा यू आस्क्ड इज इट ट्रू दैट यू आस्क्ड द कन्यास इन द सेंटर्स टू ट्रांसलेट मर्लिन्स सेंटर में आप कन्याओं को मुरली का अनुवाद करने के लिए आप कह रहे हैं क्या? And because we've got 35 Merlis translated, a bit more now with Raghubai Merlis from computer. पहले से 35 मुरली था हमारे पास और आजकल रघुबाई जो भी रोज रोज भेज रहे हैं कंप्यूटर से वो थोड़ा सा लेवल का और अदर देन दैट मोर एंड मोर आर गेटिंग ट्रांसलेटेड इट हैज नॉट कम इन द प्रिंट थोड़ा थोड़ा प्रिंट में आ रहा है कंप्यूटर में इकट्ठा हो रहा है इट इज गेटिंग कलेक्टेड इन द कंप्यूटर इट इज नॉट बीन गिवन टू प्रिंट थोड़ा मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट में दे रहा है तो मैं जब आया तो जो मुस्कुराहट आती नहीं इसके चेहरे मैंने कहा ही वाज नॉट स्माइलिंग एट ऑल नाउ ही इज रिटर्निंग अ स्माइल विद अ स्माइल प्रैक्टिकली नहीं दे रहा बाबा जी तो अच्छा है बीसीडी में जो चेहरा दिखाया जाता है और बाबा का जो चेहरा दिखाई पड़ता है उसमें अंतर पड़ता है बाबा मुकुट रहने में आराम देगा दे रहा है व्हाट आई सॉ इन लाइक बीसीडी एंड व्हाट आई सॉ प्रैक्टिकल इट वाज नॉट द सेम सो बाबा इज टेलिंग इट इज गुड फॉर बाबा फॉर हिम टू रिमेन इन कॉग्निटा ऐसे कईयों ने बोला है बाबा जिन्होंने टीवी में पहले देखा और साकार में बाद में देखा हर कोई यही बात बोला है कि टीवी में अलग दिखते थे और सन्मुख अलग दिख रहे हैं लेकिन जो पहले साकार में देखा और बाद में टीवी में देखा ना उनको अंतर नहीं पड़ता दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ एवरीबडी टू हैज वॉच बाबा फर्स्ट इन द टीवी एंड देन प्रैक्टिकली But for people like us who have met Baba practically first and later on we have seen Baba's video in the TV, it hardly makes any difference. चित्रों में भी जो छपा रहे हैं अपना अपना ट्राई कर रहे हैं ट्रायल कर रहे हैं वो भी सीधी सी लेते हैं and those people are also publishing in the pictures. हमको अभी भी यहाँ पर ये हो रहा है वो कभी भी आकर के हमको हमारे अंदर बैठ सकता है आपको किसी से हो रहा है तो कैसे आ जाएंगे तो अगर हम कमजोर होंगे तो डरोगा जी हो आर्मी के लीडर हो यंकर के आर्मी के लीडर हो बाहर से अभी रूहानी मिलिट्री के लीडर बनना है हां है कम लीडर ऑफ रूहानी मिलिट्री हीट फर्स्ट थिंग द हीट गर्म गर्म बस कंपिल में हीट हो गया ब्लड निकलता है नाक से ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इन कंपिल
No, she was, but she was sick in something. Bimar was. So. माता जी एक और कहना था कंपिल में क्या हुआ हर कोई मतलब प्यार देने लगे वो ज्यादा हो गया टैकल करना चाहता था हर कोई अपना बात करना चाहता था कोई संभाषण करना चाहता था कोई उनको अपना करना वो ज्यादा हो गए ऐसे आदत नहीं है ना अभी तो अंदर ही जाने वाली कोई कन्या भी नहीं है और बहुत मतलब मसाला मसालेदार था बोल रहे कंपनी खाना दे उनके मुकाबले अच्छा गरम हो गया मिर्ची मिर्ची ज्यादा लगा मिर्ची हाँ वो तो परंपरा वो तेलुगु वाले रहते हैं और डाली हुई वो परंपरा खत्म नहीं होती That foundation, the people from Andhra Pradesh who speak Telugu, they have laid the foundation for that spicy thing. बहुत मिर्ची खाते हैं, बहुत खट्टा खाते हैं. They eat a lot of oil. They eat a lot of soy. And they eat a lot of chilies. अभी क्या प्लान है आपका? So what is your plan for today? Today? No, generally my plan. Not today. No, as of now, what is your plan? What is happening now? I'm not sure I understand the question. What is next? What is your what plan? Is next plan. Next plan. What are you going to do next mm-hmm. after? In India or yeah. Yes? Till you stay. We are going to Jubilee afterwards, and I want to show Emma Delhi a bit. The Red Fort and something because it's part of the history. And you said there were temples as well in Delhi. थोड़ा सैर कराना चाहते हैं बच्चे को लाल किला कुछ मंदिर रेड फोर्ट में जो कुछ लाइट और साउंड शो कुछ इतिहास के बारे में विजय विहार जाना चाहते हैं विजय विहार में रह के I would like to I've sort of suggested to the Kanyas if they could give Emma some knowledge so it's not me but someone else but we've kept traveling and we never had time we went here and there so I hope this time we've got a few days Emma can get some gyan from someone else अभी तक एक जगह स्थिर नहीं रहे ना तो बच्चे को कहीं भी ज्ञान का कुछ परिचय मैं खुद नहीं देना चाहती हूँ कोई और से दिलाना चाहती हूँ कोई कन्या से दिलाना चाहती हूँ लेकिन मैं खुद ही एक जगह नहीं रही और बच्ची ले नहीं पाए अभी तो जो भी दिन बचे हैं विजय विहार में बच्ची को ज्ञान का परिचय दिलाना चाहती हूँ नॉलेज चाहिए